हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा, मैं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ हूँ और अपन यहाँ आए हुए एज एन ऑफिशियल सेल खेल मेला जो यहाँ होने वाला है दोस्तों, उसके लिए अपन एज ए फुटबॉल रेफरी आए हुए हैं। और हमारे साथ पूरी 20 लोगों की टीम है, अलग अलग एथलीट बास्केटबॉल वॉलीबॉल सारी चीज़ों के लिए एज ऑफिशियल आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में पूरा फेमस है नारायणपुर का, यहाँ का आउटडोर और इनडोर गेम का स्टेडियम, और यहाँ एक से एक खिलाड़ी बन के निकलते हैं। यहाँ एक से एक ज़बरदस्त ग्राउंड बने हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन दोस्तों यहाँ मिलेगा आप लोगों को, इंडोर ग्राउंड आउटडोर ग्राउंड सारा कुछ। तो अभी अपन आए हुए हैं ग्राउंड के पास और ये मेरे पीछे आप लोग पूरा व्यू देख सकते हो। इधर 2 से 3 बड़े बड़े ग्रास वाले फुटबॉल ग्राउंड है और इस साइड दोस्तों टर्फ ग्राउंड है फुटबॉल का, जो कि अंदर काफ़ी बेहतरीन सा बना हुआ है भाई, एकदम नेशनल लेवल का यहाँ पूरा ग्राउंड है। तो अभी अपन चलते हैं अंदर। अभी दिन का बज रहा है 10 और अभी होने वाला है दोस्तों इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन में लगभग बहुत ज़बरदस्त भीड़ होने वाला है। यहाँ 40 आसपास के लोकल स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पार्टिसिपेट लिए हैं और मुझे लगता है दोस्तों यहाँ लगभग 1000 से 1500 बच्चे आए हुए हैं अलग अलग स्कूल से इस खेल मेले में भाग लेने के लिए। तो यहाँ अलग अलग स्पोर्ट्स होने हैं। तो चलिए, मैं अभी 10 बजने वाला है, इनॉग्रेशन का टाइम हो गया है, अभी इनॉग्रेशन होने वाला है, चीफ गेस्ट आने वाले हैं। अंदर में टर्फ वाला जो फुटबॉल ग्राउंड है काफ़ी बड़ा सा, उसके अंदर होने वाला है दोस्तों इनॉग्रेशन। तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ अंदर इनॉग्रेशन का पूरा माहौल। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होने वाला है इस सेल खेल मेला में। तो चलिए, अपन सीधा लेकर के चलते हैं यहाँ सब आप लोगों को अंदर। काफ़ी ज़बरदस्त माहौल है भाई और मेरे दोस्त लोग भी आने वाले हैं। बाकी अपन चलते हैं अंदर, दिखाते हैं अंदर का पूरा माहौल। तो वीडियो में बने रहे और अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा बहुत वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो भाई दोस्तों, इस साइड है अपना आश्रम जाने का रास्ता। जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा पहला दिन का, जो मैं आप लोगों को आश्रम का टूर करवाया था दोस्तों, इस साइड है आश्रम और उधर आश्रम का मैंने आप लोगों को पूरा टूर करके दिखाया क्या कुछ है यहाँ आपका रामकृष्ण मिशन आश्रम के अंदर। और इसी आश्रम से जस्ट लगा हुआ है दोस्तों ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कोने में हनुमान जी की यहाँ छोटी सी एक मंदिर है भाई, बेहतरीन सा प्यारा सा। मैं थोड़ा दर्शन कर लेता हूँ पहले, आज का इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले। तो चलिए, बढ़िया सा यहाँ छोटा सा एक हनुमान जी का मंदिर है और जो इंडोर स्टेडियम है दोस्तों उस वो जो है आश्रम के अंदर ही है और काफ़ी बेहतरीन सा है यहाँ ये रामकृष्ण मिशन आश्रम। तो चलिए भाई, अपन ये टर्फ वाला फुटबॉल ग्राउंड के पास दोस्तों पहुँच गए हैं। तो अभी अपन जा करके इनॉग्रेशन का पूरा आनंद लेते हैं। खैर, अपना जो फुटबॉल का मैच का अपने को रेफरीशिप करना है, वो मैच होने वाला है दोस्तों 2 बजे से। दो दो मैच का अपने को लगभग रेफरी करना है और फिलहाल अभी अपन इनॉग्रेशन में थोड़ा पार्टिसिपेट लेने आए हैं, देखने आए हैं एक्चुअल में अपने जो दर्शक क्या कुछ है इनॉग्रेशन में। काफ़ी अच्छा भीड़ है भाई। तो चलिए, अपन आप लोगों को लेकर चलते हैं अंदर और टर्फ ग्राउंड का पूरा व्यू और अंदर का पूरा माहौल आप लोगों को पूरा रूबरू करवाता हूँ। और यहाँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ भाई, इस सेल खेल मेले में रामकृष्ण मिशन और सेल का, सेल भिलाई का काफ़ी बड़ा योगदान है। जगह जगह पे आप लोगों के यहाँ सेल का लोगो, सेल के बच्चों को जर्सी सारा कुछ दिया गया है। तो अभी यहाँ से अपन करते हैं एंटर और अंदर जा करके पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। पहले यहाँ गुरुजी जो है रामकृष्ण मिशन के सब बैठे हुए भाई, इधर देख सकते हो आप लोग बच्चों की भीड़ भाई साहब, देख सकते हो भाई दोस्तों यहाँ लोगों की भीड़ भाई साहब यहाँ बच्चों की भीड़ देख सकते हो भाई। यहाँ कुल 40 स्कूल से बच्चे आए हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई इस सेल खेल मेले में। देख सकते हो इधर ये इधर है दोस्तों ये पूरा ग्राउंड भाई साहब। चीफ गेस्ट कितने बजे आएंगे? चीफ गेस्ट 11 बजे। कौन है चीफ गेस्ट? कौन है? टंकराम वर्मा जी। तो फाइनली दोस्तों अपन इस टर्फ वाले फुटबॉल ग्राउंड के अंदर आ गए हैं और यहाँ भीड़ देख सकते हो आप लोग भाई, पूरे लगभग अभी कितना 25-26 स्कूल की टीम है, 29 एक्चुअल में 40 टीमों का यहाँ अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन अभी लगभग 30 टीम आई हुई है और हर टीम में लगभग 30-30 मेंबर है भाई और सभी यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए। देख सकते हो भाई पूरा भीड़ आप लोग। और इधर जो दर्शक जो है देख सकते हो भाई आप लोग, उधर वाले शेड में पूरे दर्शक है, इधर पूरे दर्शक है, इधर चीफ गेस्ट आने हैं। तो भाई दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ भीड़ भाई बच्चों की,
ओ भाई साहब, परम पूज्य पाद श्री स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, हम उनके चरणों में प्रणति ज्ञापित करते हैं तथा विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई फाइनली दोस्तों अपने चीफ गेस्ट आ चुके हैं भाई, अनिर्वाण दास गुप्ता जी, प्रभारी कार्यकारी महानिदेशक भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय श्री रूप साय सलाम जी, आदरणीय श्री ब्रिजमोहन देवांगन जी, आदरणीय श्री प्रभात कुमार जी एसपी नारायणपुर, आदरणीय श्री अरुण कुमार जी सीजीएम रावघाट, आदरणीय श्री देवनाथ हुसैन जी, अन्य अतिथिगण भिलाई इस्पात संयंत्र से पधारे समस्त अधिकारीगण, हम सभी का विद्यालय परिवार की ओर से रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तथा अपने मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध करते हैं कि त्रिदेवों के चित्रपट पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री टंक राम वर्मा जी, खेलकूद एवं युवा कल्याण राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, साथ में है परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी व्याप्तानंद जी महाराज सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज सचिव रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, पूज्यपाद स्वामी कृष्णामृतानंद जी महाराज प्राचार्य रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ नारायणपुर, अन्यान्य सन्यासी अतिथिगण ब्रह्मचारी गण भिलाई इस्पात संयंत्र से पधारे अधिकारी गण, पुनः पुनः हम सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं तथा अपने अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे आराध्य त्रिदेवों के चित्रपट पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शन्नो मित्रसंवरणः, शन्नो भवस्वनमः, शन्नो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः, शन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत के लिए मैं हमारी विद्यापीठ के बालिकाओं को सादर आमंत्रित करूंगा। माननीय वर्मा जी का चंदन बंदन गुलाल व पुष्प गुच्छ के साथ बैच लगाकर स्वागत करने के लिए हमारे विद्यापीठ के बालिकों को सादर आमंत्रित करता हूं। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा खेल ध्वज का आरोह। उनके संघर्ष की लगन, लक्ष्य की ओर उनकी गति को थमने नहीं देती।
कुमार जी एसपी नारायणपुर का आगमन हुआ है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं तथा आदरणीय श्री वीरेन भाई पंच भाई सर भी हमारे बीच उपस्थित हैं, अपर कलेक्टर नारायणपुर। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।